वेलकम टू डिजायर क्लासेस दोस्तों, मैं पवन गुप्ता, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समानुपात। जैसा कि दोस्तों हमने आपको समानुपात के पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि समानुपात होता क्या है, और समानुपात के बेसिक इंट्रोडक्शन पे आपको चार क्वेश्चन कराया था। तो दोस्तों उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग तीन क्वेश्चन इस वीडियो में और करेंगे जो आपके समानुपात पे बेसिक क्वेश्चन है, और ये तीनों के तीनों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, और आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे कि समानुपात कितने प्रकार का होता है और एक एक टाइप करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा और आपको समानुपात का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और वो चारों प्रॉब्लम भी आपने किया होगा खुद से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात और समानुपात में अंतर क्या होता है और समानुपात के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं जो हमारा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको तीन क्वेश्चन बताने वाला हूं, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, और ये समानुपात पे आधारित है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये दिया है यदि रूट थ्री और अनुपात वन प्लस रूट थ्री, और दोस्तों ये साइन आपको पता ही है कि समानुपात का साइन है, और अंडर रूट सिक्स अनुपात एक्स हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो रेशियो बराबर हो जाए तो ये समानुपात कहलाएगा, और समानुपात का फंडा मैंने आपको बताया था कि मध्य राशि का जो गुणनफल होता है इन दोनों बाहरी राशि के गुणनफल के बराबर कर देंगे तो हमारा x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाहरी राशि कौन कौन सा है, तो एक रूट टू है और दूसरा हमारा एक्स है। ठीक है, रूट टू का मल्टीप्लाई हम एक्स से करेंगे, और दोस्तों इसको हम किसके बराबर करेंगे, तो देखिए वन प्लस अंडर रूट थ्री और इंटू अंडर रूट सिक्स के हम बराबर करेंगे। अब दोस्तों हमें इसको सॉल्व करके और एक्स का मान निकालना है, और जैसा कि ऑप्शन में दिया है उसी हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए कि अंडर रूट सिक्स को हम ब्रेक करके अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट सिक्स का मान अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री भी होता है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसको हम ब्रेक करेंगे तो अंडर रूट टू से हमारा अंडर रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इधर हमारा बच जाएगा एक्स जिसका हमें मान निकालना था, और यहाँ पे देखिए बचेगा रूट थ्री। तो मैं एक बार लिख के और एक स्टेप बढ़ा के अब फिर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अंडर रूट थ्री इंटू वन प्लस रूट थ्री जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में, वो इस तरह से दिया था कि इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रूट थ्री से जब वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री, अब प्लस का साइन लग जाएगा, और रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों थ्री, और यही आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आपने समझ लिया कि जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है समानुपात पे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि आप मध्य राशि के गुणनफल को बाहरी राशि के गुणनफल के बराबर करो, और जिसका मान नहीं दिया है उसका मान आप निकाल लो। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो का प्रॉब्लम नंबर टू का, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, और देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है और उसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर टू, और देखिए क्वेश्चन नंबर टू भी समानुपात पे है, लेकिन ये थ्योरी में लिखा हुआ है, यानी कि लैंग्वेज में लिख दिया है। और देखिए कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, बस देखने में आपको लग रहा होगा कि कितना टफ क्वेश्चन है और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको समानुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों किसी संख्या मतलब कि वह संख्या आपको नहीं पता है। ठीक है, तो दोस्तों कोई संख्या अगर हमें नहीं पता है तो हम उसको मान लेते हैं x, यानी कि वो हमारा संख्या x है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है, यानी कि x का अनुपात आपको लिखना है 1/27 से। तो x का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का और कह रहा है कि 5/9 से है। तो 3/11 का अनुपात 5/9 से करेंगे, और एक संख्या x का अनुपात 1/27 से, और दोनों अनुपात कह रहा है वही है, इसका मतलब कि दोनों अनुपात हमारा क्या है, बराबर है।
फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं, किसी संख्या का 1/27 किसी संख्या का यानी x का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। तो दोनों के रेशियो को बराबर करेंगे और किसी संख्या यानी कि उसको दोस्तों हम x मान लेंगे। अब आपके क्वेश्चन में करना क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस फॉर्मेट में ना लिख के वो थ्योरी में लिख दिया और आपसे इस x का मान पूछ लिया। तो दोस्तों अब कितना आसान प्रॉब्लम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद भी लगा लोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लगा के देखिए कि आपसे आ रहा है कि नहीं आंसर, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। तो आइए बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। बीच वाले पदों के गुणनफल को हम बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर कर देंगे। तो x का गुणा दोस्तों किससे करेंगे, 5/9 से, और इसको किसके बराबर करेंगे, तो बीच वाले पद यानी 1/27 का गुणा 3/11 से करके दोनों को हम बराबर कर देंगे। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए, 3 से कटाओगे दोस्तों 9 हो जाएगा और ये 9 से 9 कट जाएगा, हो गया आपका। तो ये दोस्तों क्या बचेगा, x बराबर इधर ऊपर आपका 1 बचेगा और ये 5 आपके नीचे गुणा में आएगा, तो 11 और 5 गुणा होकर दोस्तों क्या बन जाएगा, 55। तो आपको मिल गया x का मान 1/55। बहुत सारे बच्चे गुणा भाग करते समय 55 पे टिक कर देते हैं और 55 ऑप्शन में अगर दे देता है तो वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों आपको अपने कैलकुलेशन पे फोकस करना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक आपको माइनस मार्किंग की तरफ भेज सकता है और आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। दैट्स वाई आपको एक एक चीज को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करना है, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। और आपने जब इतना कर ही लिया तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप माइनस में क्यों जाओ, ऐसा करो थोड़ा सा समय दो, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से करो। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि x बराबर 5, x गुणे 5 है और इधर 11 है और ऊपर 1 है। तो दोस्तों x का जब मान निकालेंगे तो 1 ऊपर रहेगा और ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पाँच 55 बना देगा। तो हमारा आंसर x बराबर 1/55 होगा, 9/55 होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो अब आप समझ जाओगे कि करना क्या है। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखते हैं कि वो कैसा है और वो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उसको भी। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन के यानी समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके और सेल्फ ट्राई करके देखो कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लगाया होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 6-7 यानी 6-7 संख्याएं 6-7 15 तथा 17 प्रत्येक में यानी कि चारों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपाती हो जाए। दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन बनता है ये दो टाइप से बनता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछता है कि जो संख्या 4 देता है उस संख्या में कहता है कि कोई एक संख्या जोड़ के और चारों को आपस में समानुपाती बना दो, या उसमें से कोई एक संख्या को घटा के समानुपाती बनाओ। ठीक है, तो जोड़ के केस में भी आ सकता है और घटाव के केस में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जोड़ वाला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिया है, और जैसे ही मैं जोड़ वाला बताऊंगा आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि अगर घटाव का मान दिया रहता, अगर जोड़ की जगह घटा के कहता तो कितना आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका संख्या दिया है वो दिया है 6, 7, 15 और 17, चार संख्याएं आपके पास दी हुई है। ठीक है, और इन चारों को, चारों में कोई एक संख्या जोड़ देना है और उसके बाद इसको समानुपाती बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके कंपटीशन में आता है तो आपके पास ऑप्शन भी रहेगा। आप चाहे तो ऑप्शन से कोई एक संख्या उठा के चारों में जोड़ दीजिए और इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के रेशियो को बराबर करके देख लीजिए कि क्या दोनों बराबर आ रहा है। जिस नंबर को जोड़ने पर बराबर होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होगा। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद मैं ऑप्शन से बता दूंगा कि देखिए अगर ऑप्शन में ये दिया रहता तो आप कैसे बराबर करते, यानी कि दोनों तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जोड़ का मैं बता रहा हूं और मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि अगर घटाव दिया रहता तो आपको क्या करना होता। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याएं 6, 7, 15, 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपाती हो जाए। तो आप क्या करिए कि सारे संख्याओं में x एक संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि हमने इसमें भी x जोड़ दिया, इसमें भी x जोड़ दिया, और इसमें भी x जोड़ दो, और इसमें भी आप x जोड़ दो। ठीक है, और समानुपाती का मतलब कि इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया तो ये समानुपाती हो जाएगा, तो आप सबको भी पता है। ठीक है दोस्तों, टफ नहीं है।
अब देखिए मैं यहीं पे बता दूं कि अगर घटा के कहता तो जो मैंने x जोड़ा है चारों में वहां x का मान हम घटा देते, अगर जोड़ने की बात करेगा तो x को जोड़ेंगे, अगर घटाने की बात करेगा तो हम x को घटा देंगे, केवल प्लस की जगह माइनस कर देंगे, मानेंगे हम x ही। दोस्तों x, y, z कुछ भी मान सकते हो, एक नंबर हमने मान लिया कि x वो नंबर है, ठीक है। अब देखिए कि हमें करना क्या है, तो समानुपाती में क्या होता है कि बीच वाले मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आइए, बाहरी पद हमारा होगा 6 प्लस एक्स और 17 प्लस एक्स, दोनों को गुणा करके, और बीच वाले पद यानी 7 प्लस एक्स और 15 प्लस x के गुणनफल के हम बराबर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको बराबर करेंगे तो देखिए क्या करना होगा आपको, इसमें गुणा करना होगा, तो एक देखिए आएगा 17 गुणे 6, तो दोस्तों 6 को जब 17 से गुणा करोगे तो 102 आएगा, 17 छके 102 होता है तो आपको भी पता होगा। और देखिए एक स्टेप हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, 6 को जब हम x से गुणा करेंगे तो वो 6x देगा, और फिर जब x को 17 से गुणा करेंगे तो वो 17x देगा, तो 17x और 6x मिलके दोस्तों कितना बनेगा 23x। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 23x, आप लोग समझ गए होंगे कि हमने इस दोनों को गुणा किया, 6 को 17 से गुणा किया 102 आया, और 6 को x से गुणा किया और फिर x को 17 से किया, तो ये 6x और ये 17x, 6x प्लस 17x मिलके दोस्तों क्या बनेगा 23x। और एक बार लास्ट में बचेगा x प्लस x का गुणा, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर, अब बराबर किसके करेंगे दोस्तों, तो 7 का गुणा हम 15 से करेंगे तो 15 सात 105 होता है दोस्तों, और 7 का गुणा जब हम x से करेंगे तो 7x, और x का गुणा जब हम 15 से करेंगे तो 15x, तो दोस्तों 7x और 15x मिलके कितना बनेगा 22x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 22x, और जब x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब आप देखिए कि इस x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो द्विघात समीकरण हमारा बनेगा ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, वो सोचते हैं कि सॉल्व करें ना करें, दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्टली आंसर जाएगा, देख लीजिए ये 23x है, ये 22x है, जब 22x को उठा के जब इधर ले आओगे तो 23x में से 22x माइनस होगा तो x बच जाएगा दोस्तों, और 102 को जब हम उधर ले जाएंगे तो 105 में से 102 माइनस होगा तो दोस्तों कितना बचेगा 3, आ गया कि x का मान 3 होगा, यानी जब हम सारे नंबर्स में x को ऐड करेंगे, x यानी 3 को ऐड करेंगे तो हमारा वो चारों नंबर आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया है और आप ये x नहीं मानना चाहते हो तो ऑप्शन से कैसे आप टैकल करके और आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है कि जो आपके क्वेश्चन दिया है 6, 7, 15 और 17, इसमें कोई संख्या जोड़ के समानुपाती बनाना है, तो मान लीजिए कि हमने ऑप्शन से 3 दिया है, 3 को उठा लिया, तो दोस्तों जब हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा, सब में 3 प्लस कर दीजिए, 15 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 18 बन जाएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 20 बन जाएगा, और इन दोनों को बराबर करके देखना है, तो देखिए ये जो अनुपात है 9:10 है, और इसको भी हम कटा सकते हैं 2 से और लिख सकते हैं 9:10, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में किसी एक नंबर से हम कटा सकते हैं। तो देखिए कि 9:10 और 9:10 आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमने संख्या क्या जोड़ा, तो x का मान हमने 3 जोड़ा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन में मान लीजिए 3 की जगह 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो 3 के अलावा 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा, ओनली एंड ओनली आपका 3 पे बराबर होगा और किसी पे बराबर नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, 3 तो गलत होना ही है, तो एक आंसर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का साइन दिया रहता तो ऑप्शन से कोई एक नंबर उठा के और उस सारे में से माइनस कर दीजिए चारों में से, और माइनस करने के बाद अनुपात को बराबर करके देखिए कि अनुपात बराबर हो रहा है कि नहीं, तो अगर प्लस की बात करेगा तो हम ऑप्शन से उठा के जोड़ेंगे, और माइनस की बात करेगा तो घटा के और रेशियो को बराबर करके देखेंगे कि रेशियो किस पे बराबर हो रहा है, जिस ऑप्शन पे आपका दोनों रेशियो बराबर होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ेंगे, घटाने की बात करेगा तो घटाएंगे, और अगर आप x मान के सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर जोड़ने की बात करता है तो सब में x जोड़ दीजिए, और घटाने की बात करता है तो सब में घटा के और उन दोनों के रेशियो को बराबर करिए, और रेशियो को बराबर करने का मतलब बीच वाले पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये इंट्रोडक्शन हमारा प्रोपोर्शन का खत्म हो गया, यानी कि
समानुपात का सिर्फ आपको अभी परिचय कराया हूं कि समानुपात होता क्या है इस दो वीडियो के थ्रू। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा वीडियो आएगा उसमें आपको पहले मैं बताऊंगा कि समानुपात कितने प्रकार का होता है और एक एक प्रकार को हम लोग डिस्कस करते हुए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे, तब जाके हमारा पूरा केवल समानुपात खत्म होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समानुपात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमें यह चीज नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं उसको आपको दूसरे वीडियो के थ्रू फिर से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर।